यूपी मदरसा एक्ट पर बना संशय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने साफ कर दिया। मंगलवार 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक दर्जा दिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था। पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया था कि वह मदरसा बोर्ड के छात्रों को सरकारी या निजी स्कूलों में मुख्य शिक्षा प्रणाली में शामिल करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर इस प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान का एक महत्वपूर्ण तत्व है। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के पीठ ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है। CJI ने यह भी कहा कि धार्मिक शिक्षा के स्थानों में मानकों को सुनिश्चित करने में राज्य की भी महत्वपूर्ण रुचि है, लेकिन अधिनियम को खत्म करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया था कि 2004 के अधिनियम के कुछ प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत हो सकते हैं।